हेलो गाइस, तो यार कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका एक बार मेरे न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। तो गाइस आज की वाली वीडियो कुछ ज्यादा ही कमाल की होने वाली है, क्योंकि जरा अच्छी साली वीडियो के अंदर मैं आपको आपके स्नैपसीड ऐप का यूज करके आपको कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग करना सिखाने वाला हूँ। बहुत ही ज्यादा ईजी वे से और सिंपल ट्रिक्स है भाई, इतनी ज्यादा हार्ड ट्रिक्स भी नहीं होने वाली। तो आप कुछ नहीं करना, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, इस वीडियो को लास्ट तक एक एक क्लिप को ध्यान से जरूर वॉच करना, ताकि आप इस एडिटिंग को करने में कोई भी दिक्कत ना हो पाए। तो चलिए मैं आपको बता दूँ कि किस टाइप से आप इस कमाल की एडिटिंग को कर सकते हो। तो चलो गाइस, सबसे पहले यहाँ पर आपको आपका स्नैपसीड ऐप ओपन कर देना होगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हो। देन यहाँ पर मतलब के बीच में प्लस वाले आइकन में क्लिक कर देना होगा। तो इनके जैसे आप प्लस वाले आइकन में क्लिक कर लेते हो, यहाँ पर आपका जो गैलरी है वो ओपन हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना, गैलरी से यहाँ पर आपको सबसे पहले वही वाला फोटो सेलेक्ट कर देना होगा, अगर आप मतलब के जिसको आप वो वाला एडिटिंग करना चाह रहे हो, जैसे मैंने आपको बताया था। अगर आपके पास कोई फोटो नहीं है तो ये वाला जो ये मैं फोटो एडिट कर रहा हूँ ना, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके फिर एडिट कर दीजिएगा। ठीक है, तो भैया आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले पेंसिल वाला आइकन में क्लिक कर देना होगा। देंगे जिस ट्यून इमेज वाला आइकन में क्लिक कर देना होगा। तो क्यों इमेज में क्लिक करने बाद आपको जिस टाइप के इंटरफेस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं, तो भी आपको जिस टाइप से इसकी ब्राइटनेस को यहाँ पर बढ़ा देना होगा। फिर नीचे आपको तो एक कॉन्स्टेंट करके आइकन देखने को मिल जाता है, तो कॉन्स्टेंट आपको कुछ इतनी इसकी बढ़ा देने की, लगभग आपको 30 के अराउंड यहाँ पर आपको इसके रख देना होगा। सैचुरेशन का आइकन देखने को मिल जाता है, सैचुरेशन को 10 के अराउंड रख देना होगा। एम्बिएंट को थोड़ा सा यहाँ पर कम कर देना होगा और हाईलाइट को थोड़ा सा बढ़ा देना होगा। देंगे शेडोज को थोड़ा सा कम करके सिंपल यहाँ पर आपको राइट में क्लिक कर देना होगा। चलो कई यार, इतनी सेटिंग्स कर देने के बाद अगेन आपको इस पेंसिल वाले आइकन में जो है क्लिक कर देना होगा। तो क्लिक करने के बाद अभी आपको इस सिलेक्ट वाले आइकन में यानी कि क्लिक कर देना होगा। तो क्लिक कर देने के बाद अभी आप पूछने का ना, जहाँ से आप अपने फोटो थोड़ा सा ब्लैक नजर आ रहा है वहाँ पर ये रेड प्लस का आइकन को रख देना होगा, और स्टार्ट इसकी साइज डिक्रीज कर देने की, और स्टार्ट इसकी यहाँ पर आपको ब्राइटनेस बढ़ा देने की। तो इससे होगा क्या कि आपका फोटो फुल यहाँ पर वाइट हो जाएगा, यानी कि गोरा हो जाएगा और रिटच हो जाएगा। तो रिटच इस टाइप से आप कर सकते हो, स्टार्ट इसकी साइज डिक्रीज करो, इस टाइप इसकी ब्राइटनेस यहाँ पर बढ़ाओ, ब्राइटनेस बढ़ाने के बाद सैचुरेशन को डिक्रीज कर दो। सैचुरेशन डिक्रीज कर देने के बाद अभी आपको अगेन मतलब कि इस टाइप से फुल अपने बॉडी पर प्रोसेस आपको इसको चला देना होगा। जैसे कि अभी आप देख, तो मैं यहाँ पर चला रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ कि इसकी फुल बॉडी को यहाँ पर रिटच करके मिलता हूँ आपको यहीं पर, मुझको देना है एक सेकंड। तो ऑल राइट गाइस, यार अभी आप देख सकते हो कि मैंने फुल फोटो को यहाँ पर रिटच कर लिया हूँ। तो अभी आपको कुछ नहीं करना, सिंपल यहाँ पर राइट में क्लिक कर देना होगा। चलो गाइस यार, अभी फिलहाल आप देख रहे हो कि आपका फोटो कितना सही तरीके से यहाँ पर एडिट हो चुका है, यानी कि रिटच हो चुका है। तो अगेन इस पेंसिल वाले आइकन में यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा। तो इनकी जैसे आप इस पेंसिल वाले आइकन में क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस टाइप के अंदर यानी आइकॉन देखने को मिल जाएंगे। तो अभी आपको इस ब्रश वाले आइकन में सिंपल यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा। तो क्लिक करने के बाद फिर सिंपल यहाँ पर आपको फोर्थ वाले यानी कि सैचुरेशन वाले ब्रश को सिलेक्ट कर देना होगा, और इस टाइप से जूम इन कर अपने यहाँ पर इसके वो पर कर देना होगा, यानी कि इस पर लिप्स पर आपको इसको ड्रॉ कर देना होगा। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, तो इस टाइप से करोगे तो आपके लिप्स यहाँ पर आपको रेड देखने को मिल जाएंगे। तो फिर इतना करने के बाद सिंपल राइट में आपको क्लिक कर देना होगा। तो अगेन इस पेंसिल वाले आइकन में यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा। तो एंड गेज पेंसिल वाले आइकन में क्लिक कर देने के बाद अभी आपको कुछ नहीं करना, सिंपल इस डिटेल्स वाले आइकन में क्लिक कर देना होगा, और इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी यहाँ पर बढ़ा देनी होगी, अराउंड 10% तक बढ़ा देनी होगी, समझ रहे हो, ताकि आपका फोटो सही तरीके से नजर आ पाए। और अभी आप देख सकते हो कितनी सही लुक यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। तो अगेन इस पेंसिल वाले आइकन में क्लिक कर देना होगा। इस टाइप से थोड़ा बहुत नीचे अगर डबल एक्सपोजर में क्लिक कर देना होगा, और ये जो है मेन पार्ट इस वीडियो का होने वाला है, तो उसको जरा सा भी इसके मत कीजिएगा और फुल फोकस से वॉच कीजिएगा। तो अभी आपको इस समय यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट वाले आइकन में क्लिक करने के बाद इसकी जो ब्राइटनेस आप देख पा रहे हो, उसको ब्राइटनेस को यहाँ पर आपको 30% रख देना होगा। जैसे कि अभी आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने कर लिया हूँ। तो कर देने के बाद यानी कि 30% रख देने के बाद इस टाइप से अपने फिंगर को मतलब के ऊपर कर देना होगा। तो जैसे कर ले तो यहाँ पर आपको कॉन्स्टेंट करके आइकन देखने को मिल जाएगा, तो कॉन्स्टेंट इसकी आपको यहाँ पर 10 कर देने की, वैसे नॉर्मल 20 होती है, यहाँ पर आपको 10% तक आपको इसको रख देना होगा। जैसे कि अभी आप देख सकते हो, तो इतना करने बाद इसकी जो गेंस है इसको यहाँ पर आपको 5-10% तक आपको अराउंड इसके कर देना होगा, फिर सिंपल राइट में आपको क्लिक कर देना होगा। तो चलो गाइस यार, अभी आप देख सकते हो आपका फुल फोटो यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट लुक में आ गए हैं। तो अभी आपको कुछ नहीं करना, सिंपल ऊपर आपको इस एडिट स्टैक में क्लिक कर देना होगा। तो एंगेज क्लिक कर देने के बाद फिर यहाँ से व्यू एडिट्स के बाद ब्लैक एंड व्हाइट, फिर बीच में से ब्रश आपको ले लेनी होगी। तो ब्रश ले लेने के बाद अभी आपको कुछ नहीं करना, इस इन्वर्ट वाले आइकन में आपको क्लिक कर देना होगा, ये वाले में। तो जैसे आप इन्वर्ट वाले आइकन में क्लिक करोगे तो आपका फोटो वही नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा, जिसमें आपने सेलेक्ट करा था यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट में करा था। फिर इसकी जो ब्लैक एंड व्हाइट की साइज है, ओपेसिटी, इसको यहाँ पर आपको 0 कर देना होगा। फिर इस टाइप से अपने जूम इन कर फोटो को और फोटो पर यानी कि ये कर देना होगा, जैसे कि आप देख सकते हो स्किन से बिल्कुल सही इरेज कर देना होगा, रिमूव कर देना होगा, ताकि ये जो इफेक्ट है आपका फुल अपने स्किन से रिमूव हो पाए। और स्किन से करना होगा आपको अपने क्लोथ्स पर एंड अपने हेयर से, आप चाहो तो कर सकते हो, बट थिंग इसके नहीं करना, अच्छी लुक आएगी एकदम खतरनाक तरीके से। मैं क्या, मुझको देना एक सेकंड, मैं इसको पूरा का पूरा बॉडी से इफेक्ट रिमूव करके यहीं पर मिलता हूँ आपको 2 सेकंड के अंदर।
तो ऑल राइट गाइस यार, अभी आप देख सकते हो कि पूरी की पूरी स्किन से मैंने कुछ ही देर में इसको रिमूव कर दिया हूं। तो सिंपल यहां पर राइट में क्लिक कर देना इस तीर वाले आइकन क्लिक पे आ जाना होगा। तो चलो गाइस यार, इतना काम कर देने के बाद अगेन आपको पेंसिल वाले आइकन में यहां पर आपको क्लिक कर देना होगा। तो क्लिक करने पर स्टेप से थोड़ा बहुत नीचे अगर डबल एक्सपोजर वाले आइकन में क्लिक कर देना होगा, देंगे इस गैलरी वाले आइकन में क्लिक कर देना होगा। तो मैं जो इस पर एक पीएनजी ऐड करने वाला हूं एकदम सॉर्ड वाली और वो ब्रोकन हार्ट वाली, यानी कि एकदम खतरनाक डेंजरस पीएनजी ये वाली। तो अगर आपको इवल पीएनजी चाहिए तो भाई लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वहां से डाउनलोड कर दीजिएगा। तो अभी कुछ नहीं करना, कुछ इस टाइप से इसको हम सेट करने वाले ताकि लगेगी हाँ यार एकदम नेचुरल सी फील लगेगी, हाँ यार ये तो एकदम लगी हुई है ऐसे करके। तो इस टाइप से थोड़ा बहुत दिक्कत होगी आपको इसको सेट करने में, यार सेट करना भी इतना आसान काम नहीं होता यार, थोड़ा सा तो हार्ड होता है कुछ भी कहो, कुछ इस टाइप से आपको मदद कर देना होगा। फिर आपको कुछ नहीं करना, इस स्टाइल वाले आइकन में क्लिक कर देना होगा, देन जिसको ऐड में क्लिक कर देना होगा। तो ऐड में क्लिक करने के बाद अभी हम थोड़ा सा इसको सेट कर लेते हैं। साइज इंक्रीज डिक्रीज आप मतलब कि इंक्रीज डिक्रीज आप कर सकते हो जैसे कि भी आप चाहो, तो मतलब कि जैसे चाहो आप वैसे कर सकते हो। यानी कि ऊपर ये भी तो टेक्स्ट का प्रॉब्लम है ना यार, ये भी तो दिखना चाहिए ना, ये थोड़ा सा यहाँ पर वो हो गया, रोटेट हो गया। तो इस टाइप से आपको अपना फुल सेट कर देना होगा, जैसे कि अभी आप देख सकते हो यहाँ पर प्रॉपर एकदम खतरनाक तरीके से सेट हो चुका है। पर द थिंग इसको थोड़ा सा हमें राइट को मूव करना है, थोड़ा सा राइट को हो जाएगा तो एकदम डेंजरस लुक सी हो जाएगी। तो इसको मैं क्या करता हूँ, ये भाई कैंसिल हो गया, तो मैं क्या करता हूँ इसको लगा देने के बाद आपको फुल एकदम दिखा दूँगा यार मैं किस टाइप से लगा रहा हूँ, और आपको भी उसी टाइप से लगा देना होगा। ये तो कैंसिल हो गया यार, गलत ही सीन हो गया। अब तो मैं इसको फुल सही तरीके से लगा कर मिलता हूँ आपको यहीं पर। तो ऑल राइट गाइस यार, फाइनली 5 घंटे लगाने के बाद इसका मैंने सेट कर लिया। वैसे बोले यहाँ पर राइट पे आपको क्लिक कर देना होगा। तो चलो गाइस यार, जैसे कि भी आप देख सकते हो एकदम नेचर फील से एकदम यहाँ से जा रही है शॉर्ट और यहाँ से निकल रही है एकदम खतरनाक फील यार, और ऊपर से लिखा भी हुआ है ब्रोकन हार्ट, समझ रहे हो। तो अगेन आपको स्पेंसल वाला आइकन में यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा। तो क्लिक कर रही बता अगेन डबल एक्सपोजर में क्लिक कर देना होगा और अगेन गैलरी वाला आइकन में क्लिक कर देना होगा। तो मैं जो है इस पर एक पीएनजी ऐड करने वाला हूँ फायर स्पार्कल्स की, अगर आपको बोले चाहिए तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में। तो मैं क्या करता हूँ सिलेक्ट करके आपको दिखा लेता हूँ कि किस टाइप की मैं पीएनजी इस पर ऐड करने वाला हूँ। तो ऑल राइट गाइस यार, अभी आप देख सकते हो कि मैंने फायर स्पार्कल की पीएनजी को यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया हूँ। तो अभी आपको कुछ नहीं करना, सिंपल बीच स्टाइल वाले आइकन में क्लिक कर देना होगा। तो इसको आपको लाइट एंड डार्क कर देना होगा, ये रहा लाइट एंड, तो लाइट में क्लिक कर देना होगा। तो क्लिक कर देने के बाद अभी आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा सा स्टेप से आपको इसको सेट कर देना होगा जैसे कि अभी आप देख सकते हो। फिर सिंपल यहाँ पर राइट में आपको क्लिक कर देना होगा और अभी आपको ऊपर इस एडिट स्टैक वाले आइकन में क्लिक कर देना होगा। तो क्लिक कर देने के बाद फिर यहाँ से व्यू एडिट्स, व्यू एडिट्स के बाद डबल एक्सपोजर, फिर बीच में से ब्रश आपको ले लेनी होगी। तो ब्रश ले लेने के बाद अगेन आपको इन्वर्ट वाला आइकन में क्लिक कर देना होगा। तो क्लिक करने बाद डबल एक्सपोजर की साइज यहाँ पर आपको 0 रख देने की, फिर इस टाइप से जूम इन करके अपने बॉडी से इस इफेक्ट को यहाँ पर आपको इरेज कर देना होगा, यानी कि रिमूव कर देना होगा ताकि बॉडी पर आपके इफेक्ट ना आ पाए। तो मुझको देना 1 सेकंड, मैं इसकी फुल बॉडी पर अच्छे तरीके से प्रोफेशनल तरीके से रिमूव कर मिलता हूँ आपको यहीं पर। ऑल राइट गाइस यार, अभी आप देख सकते हो कि पूरे के पूरे इफेक्ट को यहाँ पर मैंने रिमूव कर लिया, बस थोड़े से यहाँ पर स्पार्कल से रह गए थे, तो इसको भी हम थोड़ा सा डिस्टेंस में कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो गाइस यार, इतना काम कर देने के बाद अभी आपको कुछ नहीं करना, सिंपल यहाँ पर थोड़े से हम इसको मतलब कि लाइटन लाइट कर लेते हैं, यानी कि लाइटन, समझ रहे हो, लाइट वाले। तो सिंपल फिर राइट में आपको क्लिक कर देना होगा, अभी आपको इस तीर वाले आइकन में क्लिक कर बैक आ जाना होगा। तो ऑल राइट गाइस यार, अभी आप देख सकते हो आपका फोटो यहाँ पर एडिट होने को आ गया है। लास्ट थिंग अगेन इस पेंसिल वाले आइकन में क्लिक कर देना होगा और पोर्ट्रेट वाले आइकन में आपको क्लिक कर देना होगा। तो थोड़ी बहुत लोडिंग आपको देखने को मिल जाएगी, देंगे यहाँ पर स्मूथ टू वाला आइकन को सिलेक्ट कर देना होगा। इसकी जो फेस स्पॉट लाइट आप देख पा रहे हैं इसको यहाँ पर आपको ब्लाइंडिंग की रख देना होगा, 40% तक रख देना होगा। इस टाइप से थोड़ा बहुत नीचे अगर इसकी जो स्किन स्मूथ नहीं है उसको आपको 100 कर देना होगा, और नीचे अगर इसकी जो आई क्लेरिटी को यहाँ पर आपको रख देना होगा, यानी कि 75% मोर देने ना, फिर सिंपल राइट में क्लिक कर देना होगा। तो ऑल राइट गाइस यार, अभी आप देख सकते हो आपका फोटो यहाँ पर कितनी ज्यादा प्यारी लुक से और कितनी ज्यादा अच्छी तरीके से यहाँ पर एडिट हो गए हैं। तो सेव करने के लिए भी आपको नीचे जो एरो फेस कर रहा है इसमें क्लिक कर देना होगा। तो क्लिक करने बाद सेव में क्लिक कर देना होगा। तो ऑल राइट गाइस यार, अभी आप देख सकते हो आपकी एडिटिंग यहाँ पर कुछ ही देर में यानी कि 10 मिनट के अंदर कंप्लीट हो चुकी है। तो आई होप आपको एडिटिंग जरूर अच्छी लगी तो प्लीज यार इस वीडियो को जाकर लाइक जरूर से कर देना। अगर आप चैनल पर नहीं हो इसी टाइप की कमाल की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वन, मिलते हैं अगले बार, बाय बाय।